डॉक्टर लिसाजिद होप स्टूडियो के एक नए एपिसोड के साथ आज मैंने रिक्वेस्ट की है यूईटी के एक ग्रेजुएट को जिसने आज से कुछ 4-5 साल पहले जब मैं यूईटी में पढ़ाता था आईबीएम में तो उन्होंने वहाँ से बीबीए किया। इनको मैंने इनक्रेज किया कि अपना बिजनेस खुद करें और नौकरियों पर रिलाय ना करें ना साथ ना करें बल्कि अपनी ज़िंदगी में अपने जोरे बाजू से खुद उठें। माशाल्लाह इन्होंने मेरे मशवरे को माना और यूनिवर्सिटी के बेस्ट स्पोर्ट्स भी थे। मैं उनको वेलकम करता हूँ बीबीए ग्रेजुएट 2009 की क्लास के मिस्टर नूर सर, वेलकम। आप अपना तारुफ कराएंगे थोड़ा सा? जैसे सर ने बताया जीरो सेशन में मैंने बीबीए से स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सर ने बहुत ज़्यादा गाइड किया था हमें एज एन एंटरप्रेन्योर की तरफ से। हमारे सेशन होते थे विजिटिंग पार्टीज के काफ़ी अच्छे टीचर्स थे वो आते थे। इसके अलावा सेमिनार होते थे, सेमिनार में वो बहुत ज़्यादा इस बात को मोटिवेट करते थे कि आप लोग ना अपना बिजनेस करें, स्मॉल स्केल का करें, जैसा भी करें। तो उससे कासिम अली शाह साहब आए, सर सलमान खान रोल मॉडल के तौर पर मैं लेता हूँ। उनसे हमने जो सब्जेक्ट्स पढ़े बी आर एम एंटरप्रेन्योरशिप उससे मुझे काफ़ी लर्न करने का मौका मिला। तो ड्यूरिंग स्टडीज ही मेरी कोशिश रही है कि मैं किसी तरीके से अपना कोई ना कोई बिजनेस कर सकूँ। मैंने एक दो इंटर्नशिप की, कुछ एक साइड जॉब भी की। साइड जॉब का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखा उसमें। लेकिन उसमें एक चीज़ जो मेरे माइंड में बैठ गई, उसमें मैं उनके लिए कोई अराउंड 12-15 आवर्स के अराउंड उनके लिए काम करता था और उसके बाद आफ्टर 1 मंथ वो मुझे पे देते थे 8 डे। तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद आपको सिर्फ 8 हज़ार मिले। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा कि यार क्यों ना मैं कोई अपना इस तरह काम करूँ कि जिससे मुझे अर्निंग मेरी इससे तो बेहतर हो। तो फिर अली साजिद साहब सर का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने मोटिवेट किया था। मेरे पास एक छोटा सा एक आइडिया था जिसको मैंने ट्राई किया कि मैं उसे इम्प्लीमेंट कर सकूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। लेकिन सेकेंड ईयर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मुझे सर ने मोटिवेट किया। इसके अलावा कुछ टीचर्स से मैंने काफ़ी हेल्प आउट ली। एक स्मार्ट सा बैंक था जिसके मुताबिक हम एज अ बुक सप्लायर के तौर पर मैंने काम स्टार्ट किया था अपने आईबीएम के अंदर ही। उसमें मैं था सर से मैंने इजाज़त दी कि सर मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को जो बुक्स हैं उनकी क्लास के अंदर डिलीवर करूँ ताकि हमारे काफ़ी हॉस्टलाइट फ्रेंड्स हैं जिनको उर्दू बाजार या मार्केट में जाने के लिए काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो सर ने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया, मैं उसके लिए सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अगर उस टाइम पर अली साजिद साहब मुझे इंकरेज ना करते तो माइंड भी कि मैं बिजनेस की तरफ इस तरह ना आ पाता। तो अभी आपने जब स्टार्ट किया बिजनेस डिग्री के बाद स्टार्ट किया? नहीं सर, आई थिंक ये भी मेरी गुड लक थी कि मैंने ड्यूरिंग स्टडी थी आफ्टर 4 सेमेस्टर मुझे एक बात बस क्लिक कर गई थी सर सलमान की। हम बी आर एम पढ़े थे बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें सर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि यार आप लोग स्टूडेंट्स जो है ना सिर्फ ये ना देखो कि आप ग्रेजुएट कर जाओगे तो फिर ही आप कुछ कर सकते हो, आप जो करना चाह रहे हो अपनी आस पास आप अपनी अपॉर्चुनिटीज देखो, देखो आप किस तरीके से किसमें एक्सेल करना, जो की तरफ जाना है तो फिर कुछ इंटर्नशिप करो और कुछ अपना बिजनेस करना है तो देखो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आप कैसे कर सकते हो। तो होम बिजनेस वगैरह बढ़ाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया था, थोड़े से उस उधर से मैं अर्निंग की हुई थी। लेकिन जैसे मैंने बताया वो बुक सेलर वाला जो मेरा आइडिया था वो मेरा बिल्कुल फर्स्ट एवर आइडिया था। तो उसमें सर ने सर से भी मैं गाइडेंस लेता रहा। तो बस एक उसमें किया था कुछ वो बहुत अनोखा नहीं किया, सिंपल सा काम किया। सेमेस्टर से पहले सारे सब टीचर से मैंने मिलके उनसे टाइम लेके उनसे बस पूछ लिया था कि आप कौन कौन सी बुक्स जो है ना वो स्टूडेंट्स को जो है ना आप ऑफर कर रहे हैं वो काइंडली मुझे बता रहे हैं। पर टीचर्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन सब ने मुझे अपनी अपनी बुक्स बताई जो जिस बी आर एम की हो गई, जिस तरह क्वालिटी मैनेजमेंट की हो गई। तो उसका मैं सिंपल उर्दू बाजार में 2 से 3 डीलर्स से थोड़ी सी अपनी वर्किंग की हुई थी उनके पास मैं गया, उनसे मैंने रेट्स वगैरह लिए जहाँ से मुझे बेस्ट पॉसिबल रेट्स मिले। उनसे भी मैंने बात की कि मैं आपको काफ़ी बिजनेस ला के दूंगा तो आप मुझे जो है अच्छे रेट्स दें। तो मुझे माशाल्लाह मार्केट से भी कोई 20-30 रुपीज लेस के रेट मुझे जो है ऑफर किए और अचानक आप आ गए और मुझे डर सा था कि सर देखिए ये क्या किस तरह का काम कर रहे हो, चलो भाव भाग जाए उधर से। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आपने उस टाइम मुझे मोटिवेट किया, आपने मुझे वो काम करने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने कोई 30 से 40,000 के करीब अर्न कर लिया था। स्टार्ट हम 4 फ्रेंड्स ने किया था बीबीए 09 के थे, लेकिन वो भी मेरे साथ कैरी नहीं कर सके। तो लेकिन मुझे इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन नज़र आ रहा था क्योंकि इसमें
पैसे भी पहले मिल जाते थे और उसके बाद बुक्स भी जो स्टूडेंट्स को देंगे तो मार्जिन बहुत अच्छा था। तो उसको मैंने ना सेमेस्टर बाई सेमेस्टर थोड़ा सा प्लान आउट किया। पहले मैंने 09 को टारगेट किया, फिर मैंने 10 को किया, फिर मैंने 11 को किया। और मुझे अच्छी तरह याद है जब लास्ट सेमेस्टर में मैंने जो सप्लाईज की थी ना, मुझे एक लास्ट सेमेस्टर में मैं अराउंड 50,000 मैं एक सेमेस्टर के दौरान अर्न कर चुका था। 20,000 की सेविंग्स ऑलमोस्ट पहले थी। फिर जब मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट पढ़ा सर, थैंक्स टू यू सर अगेन, उसमें आपने डॉक्टर सनान उन्होंने हमें एंटरप्रेन्योरशिप पेश किया। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीचर जो जिनसे मैं अभी तक पढ़ा हूँ और मैं उनको टोटली अपने रोल मॉडल के तौर पर उनको कंसिडर करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, उन्होंने कहा यार तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तुम इसको किसी तरीके से रजिस्टर करो। तो बस उसमें ही वो एक माइंड में क्लिक आ गया कि ठीक है मैं माशाल्लाह थोड़ा बहुत मुझे पता तो चल गया। तो कुछ इंटर्नशिप एक जगह की भी थी CLE में, उन्होंने सर ने कहा कि इस कंपनी इस तरह हम जो है ना रजिस्टर करवाते हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा सा उसका वे आउट बताया। तो बस फिर वो उसमें बस फिर जैसे ही उन्होंने बताया, मेरा बस तगड़ा यही थी कि मैं जो है ना किसी तरह इसको रजिस्टर कर लूँ। तो रजिस्टर के बाद पहला बिजनेस कहाँ किया सर? रजिस्टर के बाद पहला बिजनेस मैंने IBM में किया, UET से। UET IBM में ही मैंने पहली सप्लाई दी थी स्टेशनरी आइटम्स की 14,140 रुपए की। वो भी सर आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो आंखों के सामने है वो डिजिट सर। और वो उसमें उस तक उस वक्त आप सर अनफॉर्चुनेटली आप जा चुके थे, डॉक्टर शेख उस टाइम टेक ओवर कर चुके थे। लेकिन सर मैं बड़ा स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूँ अगर आपके दौर में मैं कोई 2-3 महीने भी बिजनेस कर जाता ना, तो जितना मैंने डॉक्टर शेर के पास कोई 1-1.5 साल में बिजनेस किया ना, मैंने आपसे 2-3 महीने में वो बिजनेस ले लेना था। लेकिन चले अल्लाह ताला के काम में बेहतरी होती है। लेकिन मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका फिर एक बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, मुझे आपकी गाइडेंस की वजह से मैंने इसको इजीली। तो आप नौजवानों को इनकरेज करते हैं कि अपने बिजनेस खुद करें सर, लड़के लड़कियां दोनों? बिल्कुल, मैं टोटली इनकरेज करता हूँ। मैं कहता हूँ सर कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखें, कम अज कम एक दफा रिस्क लाजमी है सर। कोई ऐसी जॉब नहीं है जो आपको जो है ना इस तरह का सर, मैं अपने बिजनेस में अपनी मर्जी से काम करता हूँ, अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। जब दिल किया काम कर लिया, नहीं भी दिल किया तो काम नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सर बिजनेस में इस कदर सक्सेस है कि मैंने अपने ग्रेजुएशन करने के 2 ईयर्स बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी लगी थी। तो आपने करोड़ों रुपए से स्टार्ट किया था? नहीं सर, हाँ। मैंने सर जैसे कि बताया कि मेरे पास 0 इन्वेस्टमेंट थी, मैंने IBM से पैसे कमाए हैं। IBM से 70-80,000 मैंने कमा के 20-30,000 मुझे लगे थे अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन में। इसके अलावा मैंने अपना सेल टैक्स NTM हर चीज मैंने अपने हाथ से की है। तो उसके बाद जब मैं स्टार्ट किया तो मेरे पास वही 50,000 थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं को सर्कल करते करते स्टार्ट IBM से किया। उधर हर तरह की मार खाई IBM ने, जैसे उन्होंने टीचिंग में मुझे इतना गाइड किया, उन्होंने प्रोफेशनली भी प्रैक्टिकल भी मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 1 साल मैंने IBM के अलावा कहीं काम नहीं किया, IBM से जो काम मिलता था वही गाइड लेता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर अल्लाह ताला ने जब इज्जत देनी हो और आपका काम को बढ़ाना हो, तो क्योंकि मैं सिर्फ IBM को दुनिया समझता था कि बस जो काम इधर से मिल गया वही है। फिर मैंने IBM से यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, किस डिपार्टमेंट है जिसके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, उनके साथ मैंने अराउंड कोई 30-40 लाख का काम उनके साथ ही मैं अभी तक कर चुका हूँ और कॉन्टिन्यूसली उनके साथ कर रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा क्लाइंट है। उसके बाद सर मैंने कोई 3-4 अदर डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स में बेस्ट स्पोर्ट था यूनिवर्सिटी का, 2 टाइम बेस्ट सीट है चुका था उनके डायरेक्टर से मिला। अभी आपके पास अपना दफ्तर है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह सर ऑफिस जो है वो मेरे वालिद साहब का ऑफिस था, उसी को मैंने जो है ना एक्वायर किया, उनसे ही एक साइड पे छोटी सी जगह ले ली, अपनी टेबल लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस उधर से मैंने जो है ना। आपके UET के जो बिजनेस ग्रेजुएट हैं और कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं सर? हमारे सेक्शन के जहाँ तक मुझे याद है 3 लड़के हैं हम जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक मैं हूँ, एक राजा उमर है, बासे है और एक आई थिंक साकिब भी अपना बिजनेस कर रहा है। बाकी तकरीबन कॉन्टेक्ट सबसे है, ज्यादातर जॉब्स की तरफ गए हैं। तो लेकिन यही है कि सर मैं आई थिंक उन जॉब से ज्यादा अपने आप को जो है ना ज्यादा बेटर फील करता हूँ। और SNB सर एक हमारा ग्रेजुएट है। तो आपका मैसेज क्या है फिर अपने एज ग्रुप के, क्या एज है अभी आप? सर अभी मेरी एज 28 ईयर्स ओल्ड है। अब देखिए 28 में आप लाखों रुपया कमा चुके हैं बगैर रिश्वत के, बगैर सिफारिश के, और सर बस आपने हिम्मत की है, अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखा है और अल्लाह ने बरकत दी। सर एक्चुअली एनवायरनमेंट बड़ा सर जो है ना आपको वो बड़ा पेनिट्रेट करता है सर, जिस तरह का एनवायरनमेंट आपने IBM को स्टार्ट में दिया था ना, आई डोंट थिंक सो कि उस तरह का एनवायरनमेंट IBM में है। तो आई थिंक हम बहुत लकी रहे हम आपके दौर में हमने पढ़ा है, क्योंकि जिस तरह की फैकल्टी ने हमें पढ़ाया ना वो वन ऑफ द टॉप नॉलेज ऑफ पाकिस्तान थी, जिसमें आरिफ जाज साहब, सुहेल रिजवी साहब इतने बड़े बड़े नाम हैं। तो उनका वैसे ही इतना ज्यादा सा एक्सपीरियंस है, वो तो बंदे को वैसे ही जो है ना एक करंट सा उसमें डाल देते हैं।
तो सर आई थिंक वो चीजों ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। सर दूसरा मेरे बिजनेस में मैं जो कहूँगा सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग है सर वो ये चीज है कि जब आप अपना काम कर रहे होते हैं ना और आपकी वजह से कुछ दूसरों का रोजगार लगता है, इससे अच्छी सेटिस्फेक्शन और इससे अच्छी खुशी हो ही सकती। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं मेरी वजह से मेरे कोई 20 से 25 दोस्त उनका भी रोजगार लगा। मैं कुछ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ जिस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा जो भी दोस्त जो काम कर देता हूँ। इसके अलावा सर अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8 बंदे रेगुलर मेरे पास काम कर रहे हैं जिसमें से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ कजन्स है वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, कुछ मेरा फ्रेंड है वो मुझे। आइंदा क्या प्लान है सर? आइंदा अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो स्टार्ट बिल्कुल जीरो से कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं, फिर उसमें भी आएंगे। सर मेरा टीचिंग का बिल्कुल माइंड है क्योंकि जैसे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की है और मैंने सीख के मैं खुद एंटरप्रेन्योर बना हूं। मेरा छोटा सा ड्रीम है कि कल को मैं भी किस तरह कॉलेज खोलने यूनिवर्सिटी खोलने या कोई एटलीस्ट एक क्लासरूम ही खोल दूं जिसमें मैं स्टूडेंट्स को ये ना बताऊं कि यार आपने जॉब, उसको मैं यार आपने बिजनेस करना है, सब कुछ छोड़ दो बिजनेस करना है।